अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं सेंट्रल मार्केट में मौजूद हूँ, कोतराया सेंट्रल मार्केट। ये बस का टूर है कुआलालंपुर से सीधा सिंगापुर, और इसका किराया है तकरीबन 120 रिंगट। ये यहाँ से कुआलालंपुर से लेके जाएगा और वापस भी कुआलालंपुर लेकर आएगा, सीधा जाएगा खेल से सिंगापुर। मैं भी अभी इस बस टूर के साथ मौजूद हूँ, तो आइए मेरे साथ रहिए, जैसा ही हम घूमेंगे आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने जाना है। तकरीबन हमारे ग्रुप में 180 आदमी हैं और 4 बसें हैं। इसमें बहुत सारे फिलिपिनी, इंडोनेशियन, मले, इंडियन और बांग्लादेश। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ इस ग्रुप में। 180 आदमियों में से मैं अकेला एक पाकिस्तानी हूँ। सुबह का टाइम है ब्रेकफास्ट का, और हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए इधर रुक गए थे। सारों ने ब्रेकफास्ट किया। अभी हम जोहर बारू में है और सिंगापुर के साथ नज़दीक है। अभी हमने दोनों इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। मलेशिया का भी इमिग्रेशन क्लियर हो गया और सिंगापुर का भी इमिग्रेशन क्लियर हो गया। और हमारा ग्रुप टूर था, इसलिए ग्रुप टूर में कुछ ज़्यादा तंग नहीं करता है। अगर आप लोग ग्रुप टूर में हो तो सिंगापुर वाला इमिग्रेशन बहुत जल्दी आपको क्लियर करेगा, क्योंकि ग्रुप टूर में इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है। पहले जब मैं आया था तो मैं अकेला था, तो उन्होंने बहुत तंग किया था, और इस दफ़ा मैं ग्रुप टूर के साथ था तो बहुत आसानी से मुझे एंट्री मिल गई। अभी हम मरीना बे आ गए। ये सिंगापुर का सबसे फेमस जगह है मरीना बे, और सबसे महंगी तरीन जगह भी है। इसको कहते हैं मरीना बे। खरीद रहे हैं। मुझे तो बहुत महंगा नज़र आ रहा है, क्योंकि सिंगापुर में चॉकलेट बहुत महंगा है। मैं तो नहीं ख़रीदूंगा, मैं तो मलेशिया में ख़रीदूंगा। आप देख सकते हैं, $10। चाइना टाउन है और यहाँ पर सब चाइना का सामान मिल जाता है। यहाँ पर सब लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। टेम्पल है यहाँ पर, ये सिंगापुर में चाइना का मशहूर टेम्पल है चाइनीज़। सिंगापुर सिटी में उतर गए। ये सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर और मलेशिया में तकरीबन एक जैसा गर्मी होता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। पर आ गए सिंगापुर का गार्डन में। ये सिंगापुर का गार्डन में है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है।
फॉर सिंगापुर सिंगापुरियन टूरिस्ट गाइड अमीन पाकिस्तान सिंगापुर अमीन हम यहाँ पर आ गए यूनिवर्सल स्टूडियो ये यूनिवर्सल स्टूडियो है यही सब सिंगापुर की खूबसूरती है जो टूरिस्ट को यहाँ खींच कर लेकर आती है। अच्छा हमने अभी सिंगापुर का भी इमिग्रेशन क्लियर कर दिया और मलेशिया का भी इमिग्रेशन क्लियर कर दिया हम जो हरबरू आ गए हैं और अब हम जाएंगे कुआलालंपुर क्योंकि हमारा टूर वन डे टूर था अभी वो ख़त्म हो गया और हम वापस जा रहे हैं कुआलालंपुर।